नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भारत वापस आए इरफान खान, व्हीलचेयर पर बैठ चेहरा छुपाते हुए स्पॉट। सलमान खान घर देते तो अनाउंसमेंट करते, रानू मंडल ने कहा। नचबली 9 में एक और हादसा, वाइल्ड कार्ड परफॉर्मेंस से पहले पूजा बैनर्जी को लगी चोट। अक्षय कुमार ने सलमान खान को पछाड़ा, तोड़ डाला ये बड़ा रिकॉर्ड। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। भारत वापस आए इरफान खान, व्हील चेयर पर बैठ चेहरा छुपाते हुए स्पॉट। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का पता चलने और इसके इलाज के बाद मशहूर अभिनेता इरफान खान ने एक बार फिर से भारत में वापसी की है। अभी तक साफ नहीं है कि इरफान आखिर किसी चोट के कारण व्हील चेयर पर बैठकर आए। सलमान घर देते तो अनाउंसमेंट करते, रानू मंडल ने कहा। कुछ वक्त पहले खबरें आई थी जिनमें कहा गया कि सलमान खान ने रानू मंडल को 55 लाख का घर गिफ्ट किया है, लेकिन रानू ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता तो सलमान सभी के सामने घोषणा करते। नचबली 9 में एक और हादसा, वाइल्ड कार्ड परफॉर्मेंस से पहले पूजा बैनर्जी को लगी चोट। पूजा बैनर्जी अपने हस्बैंड संग नचबलिए में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री करने के लिए तैयार है। शो में अपना बेस्ट देने के लिए कपल जमकर मेहनत कर रहा है, लेकिन अब इसी बीच रिहर्सल के दौरान पूजा को चोट लग गई है। अक्षय कुमार ने सलमान खान को पछाड़ा, तोड़ डाला ये बड़ा रिकॉर्ड। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हुई, अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। पहले ये रिकॉर्ड सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर के नाम पर थी, अब यह फिल्म ने सलमान खान का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।